क्राइम थ्रिलर जोनर का दोस्तों एक बहुत ही खास जोनर है जिसमें आपको सस्पेंस मूवीज, थ्रिल मूवीज और मिस्ट्री थ्रिल मूवीज भी देखने को मिलती है। और इस जोनर में दोस्तों कुछ गैंगस्टर मूवीज भी होती है जिसमें जबरदस्त स्टोरी के साथ दमदार एक्शन और साउथ एक्टर्स का स्वैग देखने को मिलता है। मूवी को दोस्तों बिल्कुल ही रियलिटी के नजदीक रखी जाती है जिस वजह से लोग कहानी से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी ही दमदार क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिसे दोस्तों आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला जिसमें दोस्तों आपको एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दोस्तों ऐसी ही बेस्ट मूवी रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को ऑन करें ताकि दोस्तों आपसे एक भी साउथ की बेस्ट मूवी मिस ना हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 काला। 2018 में आई काला एक तमिल क्राइम मूवी है जिसे दोस्तों आईएमडीबी पे 6.7 स्टार्स की रेटिंग मिली है और मूवी के लीड रोल में है रजनीकांत, हुमा कुरैशी और नाना पाटेकर। फिल्म में दोस्तों दमदार डायलॉग्स के साथ आपको रजनीकांत की यूनिक एटीट्यूड और एक्शन देखने को मिलती है। यह मूवी कहानी होती है धारावी में रहने वाले काला की, जिसे दोस्तों वहां के लोग काफी इज्जत देते हैं और भगवान की तरह पूजते हैं। तो वहां का जो पॉलिटिशियन होता है वो दोस्तों उनसे उनकी जमीन छीनना चाहता है, जिसे दोस्तों काला रोकने की कोशिश करता है। एक पॉलिटिशियन पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है वो दोस्तों मूवी में अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है दोस्तों इसकी बीजीएम। और सच में दोस्तों एक्शन और एंट्री सीन्स के वक्त जो बीजीएम हमें फील देती है उसकी दोस्तों बात ही कुछ और है। हालांकि दोस्तों मूवी की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, पर दोस्तों जिस टॉपिक पे ये फिल्म बनाई गई है वो चीज और रजनीकांत की मूव्स, कुछ एक्शन सीन्स और बीजीएम आपको निराश नहीं करेगी। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगे का बेटा अकेला खड़ा है। अगर हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ। नंबर 4 मफ्ती। वोपिंग 8 स्टार्स आईएमडीबी रेटिंग के साथ नंबर 4 पे है शिवा राजकुमार, श्री मुगली और सानवी श्रीवास्तव स्टारर क्राइम थ्रिलर मूवी मफ्ती। जिस तरह से दोस्तों शिवा राजकुमार और श्री मुगली के कैरेक्टर को फिल्म में डेप्थ दी गई है और जो एक स्टाइलिश ग्रुप उन्हें दिया गया है वो दोस्तों इस फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। किस तरह से दोस्तों एक पावरफुल कॉप अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अंडरकवर होकर कदम रखता है ताकि वो अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा कर सके। तो क्या होता है दोस्तों जब वो पुलिस वगैरह उस डॉन को करीब से जानता है, ये सब कुछ दोस्तों आपको फिल्म देखने को मिलेगा। ये फिल्म दोस्तों एक कंप्लीट मास क्राइम थ्रिलर गैंगस्टर मूवी है जो कि दोस्तों क्राइम से भरी हुई है। साथ ही दोस्तों आपको इस फिल्म में हर वो चीज देखने को मिलती है जो कि एक ऑडियंस किसी दो बड़े स्टार कास्ट वाली मूवी में देखना पसंद करती है। मूवी की स्टोरी लाइन के साथ दोस्तों इसकी बीजीएम और एक्शन सीक्वेंस भी काफी अच्छी है और खास करके जो इस मूवी के क्लाइमेक्स वाली जो फाइट है वो दोस्तों आपको पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको और भी बेस्ट मूवी रिकमेंड करूं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 3 उग्रम। तो 8.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ नंबर 3 पे है मफ्ती के बाद एक और दमदार कन्नड़ क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी जिसका नाम है दोस्तों उग्रम। और इस मूवी के भी लीड रोल में है श्री मुगली। मूवी को दोस्तों केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट की है और ये दोस्तों एक बहुत ही इंटेंस क्राइम एक्शन मूवी है जो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस मूवी को मिस करो। फिल्म में दोस्तों आपको हाई वोल्टेज एक्शन सीन दमदार बीजीएम के साथ एक अच्छी और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों जिस बारीकी के साथ इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स को लिखी गई है वो दोस्तों इस मूवी को और अच्छी बनाती है। तो ये मूवी कहानी होती है दोस्तों आदित्य की, जिसका एक बहुत ही डार्क पास्ट होता है और फिलहाल वो एक मैकेनिक है। आदित्य को दोस्तों एक लड़की को बचाने के लिए कहा जाता है तो आदित्य उस लड़की को सभी गुंडों से बचाने की कोशिश करता है। तो आखिर दोस्तों आदित्य का वो डार्क पास्ट क्या है जिस वजह से सभी लोग और अच्छे अच्छे गैंगस्टर भी उससे डरते हैं, और क्या आदित्य यानी कि श्री मुगली आगे नित्या को सभी गैंगस्टर से बचा पाते हैं या नहीं, इसके लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी होगी। फिल्म में दोस्तों जिस तरह से हीरो के साथ विलेन को भी पावरफुल और डेंजरस बनाया गया है वो दोस्तों इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। इस मूवी को दोस्तों हिंदी में मैं हूं फाइटरमैन बादशाह के नाम से डब किया गया है जिसे आप G5 पे देख पाएंगे। नंबर 2 वारा चेन्नई। तमिल इंडस्ट्री में दोस्तों धनुष और वेट्री मारन का कम्बिनेशन बहुत ही डेडली कम्बिनेशन रहा है। जब भी ये दोनों बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर एक साथ आए हैं तब तब दोस्तों हमें सिर्फ मास्टरपीस मूवी ही देखने को मिली है, चाहे वो असुरन हो या फिर वारा चेन्नई। तो 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ वारा चेन्नई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें दोस्तों आपको बेस्ट स्क्रीन प्ले, बीजीएम और बेस्ट एक्टिंग की कम्बिनेशन देखने को मिलती है। ये मूवी दोस्तों 1987 की नॉर्थ चेन्नई की कहानी है जब दोस्तों क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जेल दोस्तों सभी गैंगस्टर का अड्डा बन चुका था, जहां पे दोस्तों पुलिस के नाक के नीचे से क्राइम को ऑपरेट किया जा रहा था। तो इसी समय के
नाम के एक चैंपियन कैरम प्लेयर की एक कहानी है जिसे दोस्तों पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्राइम की दुनिया में आना पड़ता है। अगेन दोस्तों मूवी की स्क्रीन ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, साथ ही जो इस मूवी में सस्पेंस रखी गई है वो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। इस मूवी को दोस्तों हिंदी में चेन्नई सेंट्रल के नाम से डब किया गया है, पर दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह से खराब कर दी गई है, तो हिंदी में देखते वक्त आप स्टार्ट के कुछ मिनट को स्किप करके तब से देखना जब दोस्तों मूवी में फ्लैशबैक खत्म हो जाती है, या फिर दोस्तों बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप इस मूवी को हॉटस्टार पे ही तमिल में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट के नंबर वन मूवी की, जिसे आपने एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के तौर पे शायद देखा होगा, लेकिन दोस्तों यह एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो नंबर वन पे है दोस्तों विक्रम वेधा, जो कि दोस्तों बेस्ट स्टोरी लाइन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन का डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस मूवी को एक बार देखना शुरू करें और इसे बीच में छोड़ दे। जिस तरह से दोस्तों विक्रम और वैतारी के कॉन्सेप्ट को फिल्म में विक्रम और वेधा के कैरेक्टर से पोर्ट्रे किया गया है वो दोस्तों इस मूवी को और भी एंगेजिंग बनाती है। फिल्म में दोस्तों वैतारी की तरह ही वेधा विक्रम से तीन सवाल करता है और पूछता है कि उस सिचुएशन में विक्रम क्या करता। तो इस मूवी की कहानी होती है दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम की, जो कि वेधा नाम के गैंगस्टर को पकड़ना चाहता है, लेकिन हर बार वेधा उसके हाथ में आकर उससे छूट जाता है। तो इस मास्टरपीस मूवी को दोस्तों आप मिस मत करना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी टॉप 5 बेस्ट साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।